السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين بسم الله الرحمن الرحيم आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 217 यानी 217 पढ़ेंगे। यस अलोना का वो पूछते हैं आपसे अनिशाहरिल हराम में हुर्मत वाले महीने की बाबत किताल इन लड़ाई करने से फी है इसमें कुल कह दीजिए किताल उन लड़ाई करना फी है इसमें कभी बहुत बड़ा गुनाह है वसद्दुन और रोकना अनसबीलिल्लाही अल्लाह ताला की राह से वकुफ्रुन और कुफर करना बेही इसके साथ वल मस्जिदिल हराम में और रोकना मस्जिद हराम से व इकराजो और निकालना अहले ही इसके रहने वालों को मिनहु इससे अकबारु मज़कूरा गुनाहों से ज़्यादा बड़ा है इंदल्लाही अल्लाह ताला के नज़दीक वल फितना तो और फितना शिर्क अकबारु कहीं बड़ा गुनाह है मिनल कत्ल कत्ल से वला यज़ालूना और वो काफिर तो हमेशा युकातिलूना कुम लड़ते रहेंगे तुमसे हत्ता यहाँ तक के यारुदूकुम वो फेर दें तुम्हें अनदीनिकुम तुम्हारे दीन से इन इस्तताउ अगर तुम इस वो इस्तताअत रखें वमन और जो शख्स यरतदिद फिर जाए मिनकुम तुम में से अनदीने ही अपने दीन से फयामुत फिर वो मर जाए वाहुवा और वो काफिरुन काफिर ही हो काफिर ही हो फाउलाए का तो ये लोग हबीतत बर्बाद हो गए आमालोहुम उनके आमाल फिर दुनिया दुनिया में वाल आखिरा और आखरत में वाउलाइका और ये लोग हैं अस्हाबुन्नार दोजख वाले हम वो फीहा इसमें खालिदून हमेशा रहेंगे। रजब जुल्कादा जिल्हिज्जा और महर्रम ये चार महीने जमाना जहलियत में भी हुर्मत वाले समझे जाते थे जिनमें जंगो जदल नापसंदीदा था। इस्लाम ने भी उनकी हुर्मत को बरकरार रखा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक मुसलमान फौजी दस्ते के हाथों रजब के महीने में एक काफिर कत्ल हो गया और बाज काफिर कैदी बना लिए गए। मुसलमानों के इलम में ये नहीं था कि रजब शुरू हो गया है। कुफार ने मुसलमानों को ताना दिया कि देखो ये हुर्मत वाले महीने की हुर्मत का भी ख्याल नहीं रखते जिस पर ये आयत नाजिल हुई और कहा गया कि यकीनन हुर्मत वाले महीने में किताल बहुत बड़ा गुनाह है
लेकिन हुरमत की दहाई देने वालों को अपना अमल नजर नहीं आता। ये खुद इससे भी बड़े जुराइम के मुर्तकिब हैं। ये अल्लाह के रास्ते से और मस्जिद हराम से लोगों को रोकते हैं और वहां से मुसलमानों को निकलने पर उन्होंने मजबूर कर दिया। इसके अलावा कुफ्र और शिर्क के बजाय खुद कत्ल से भी बड़ा गुनाह है। इसलिए अगर मुसलमानों से गलती से एक आध कत्ल हुरमत वाले महीने में हो गया तो क्या हुआ? इस पर वावेला करने की बजाय उनको अपना नामा स्याह भी तो देख लेना चाहिए। वल फितना तो अकबरो मिनल कत्ल, इरशाद फरमाया वल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल, और फितना कत्ल से ज्यादा सख्त है। وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، یعنی اے مومنو اس بات سے آگاہ رہو کہ تم میں سے جو شخص اپنا دین چھوڑ کر مرتد ہو جائے اور کفر کی حالت میں مر جائے تو ایسے لوگوں کے اعمال بالکل ضائع کر دیے جائیں گے۔ اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے اور توبہ نہ کرے تو اس کی سزا قتل ہے، جو دنیا میں اس کے اعمال ضائع ہونے کا نتیجہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا دین بدل دے اسے قتل کر دو۔ اسلام کی وجہ سے زندگی میں حاصل جان و مال اور عزت کی حرمت، مرنے کے بعد جنازہ اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن، مسلمان میاں بیوی کی زوجیت، وراثت، قرض مسلمانوں والے تمام حقوق اتداد کی وجہ سے ختم ہو جائیں گے۔ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ مومن پر کسی ایک نیکی کے معاملہ میں بھی ظلم نہیں کرے گا، اس کو اس کا بدلہ دنیا میں بھی دیا جائے گا اور آخرت میں بھی، لیکن کافر کو اس کی تمام نیکیوں کا بدلہ جو اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے کی ہوں گی دنیا ہی میں دے دیا جائے گا، جہاں تک کہ جب وہ میدان محشر میں پہنچے گا تو اس کے پاس کوئی ایک نیکی بھی نہیں ہوگی کہ اس کا بدلہ اسے دیا جائے۔ ہم فیہا خالدون۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی جنت میں داخل کرے گا اور دوزخیوں کو دوزخ میں داخل کر دے گا، پھر ایک اعلان کرنے والا ان کے درمیان کھڑا ہو کر اعلان کرے گا، اے اہل جنت اب موت نہیں آئے گی اور اے اہل دوزخ اب موت نہیں آئے گی، ہر ایک جس جگہ ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہی رہے گا۔ آیت نمبر 218۔ ان اللذین، بلا شبہ وہ لوگ جو امن و ایمان لائے، واللذین اور وہ لوگ جنہوں نے ہاجروا ہجرت کی، و جہادوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اولئک یہ لوگ، یرجون امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، واللہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم بہت زیادہ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پچھلی آیات میں اہل اتداد اور ان کے انجام کا ذکر کرنے کے بعد اب اس آیت میں اہل ایمان والوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور اسلام کی خاطر اگر وطن، مال و دولت، خاندان اور دوست احباب چھوڑ کر ہجرت کرنا پڑی تو کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت اور دشمنان دین کا کلا کما کرنے کے لیے جہاد کریں گے، وہی لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہوں گے۔ ارشاد فرمایا، اللہ زینا آمنوا و ہاجروا
व जहादु फी सबीलिल्लाहि बि अमवालिहिम व अनफुसिहिम आज़मु दराजातन इंदल्ला व उलाइका हुमुल फाइज़ून। सूरत अत-तौबा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो लोग ईमान लाए और उन्होंने हिजरत की और अल्लाह ताला के रास्ते में अपने मालों और अपनी जानों के साथ जिहाद किया, अल्लाह के हाँ दर्जे में ज्यादा बड़े हैं और वही लोग कामयाब हैं। उलाइका यरजूना रहमतल्लाहि, यानी ईमान, हिजरत और जहाद ऐसे अमाल हैं जिनकी बदौलत दिल में अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीद पैदा होती है। जिन लोगों का दामन इससे खाली है वो लाख अल्लाह ताला की रहमत का दावा करें, हकीकत में उनके दिल में रहमत की उम्मीद पैदा ही नहीं होती। लिहाजा जो शख्स अल्लाह ताला को खुश करने के लिए ईमान लाए और नेक अमल करे तो ऐसे शख्स को अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अकामुस्सलाता व अनफकू मिम्मा रज़क़नाहुम सिरम व अलानियातन यरजूना तिजारतल्लन तबूर लियुवफ़ियाहुम उजूरहुम व यज़ीदहुम मिन फ़ज़ली इन्नहु गफूरुन शकूर। सूरत फातिर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक जो लोग अल्लाह ताला की किताब पढ़ते हैं और उन्होंने नमाज कायम की और जो कुछ हमने उन्हें दिया इसमें से उन्होंने पोशीदा और जाहिर खर्च किया, वो ऐसी तिजारत की उम्मीद रखते हैं जो कभी बर्बाद ना होगी, ताकि वो उन्हें उनके अजर पूरे पूरे दे और अपने फजल से उन्हें ज्यादा भी दे। बिलाशुबा वो बेहद बख्शने वाला नहायत कदरदान है। आयत नंबर 219 यसअलूना का वो पूछते हैं आपसे, अनिल खमरी वल मैसीरी शराब और जुए की बाबत, कुल कह दीजिए, फीहिमा इन दोनों में इस्मुन गुनाह है, कबीरुन बहुत बड़ा, व मुनाफी और कुछ फ़ायदे हैं, लिन्नासे लोगों के लिए, व इस्मु होमा और उन दोनों का गुनाह अकबारो ज़्यादा बड़ा है, मिन नफ़ीहिमा इन दोनों के फ़ायदे से। वयसअलूना का और वो पूछते हैं आपसे कि माजा क्या, युन्फिकूना वो खर्च करें, कुलिल अफवा कह दीजिए जो ज़रूरत से जायद हो। कज़ाली का इसी तरह युबीनुल्लाहु बयान करता है अल्लाह ताला, लकुमुल आयाति तुम्हारे लिए अपने अहकाम, लअल्लकुम ताके तुम ततफक्करून गौरो फिक्र करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शराब पीने और जुआ खेलने से मुतल्लिक पूछा गया तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि इन दोनों में बहुत बड़ा नुकसान है, ये दोनों काम अल्लाह ताला के जिक्र से बाज रखते हैं, नेकियां करने से रोक देते हैं, शराब और जुए के नशे में इंसान को होश नहीं रहता कि इसके ज़िम्मा कुछ फ़राइज़ हैं जिनको उसे अदा करना है और वो नशा में मस्त होता है, उसे दुनिया और माफिया की फिक्र नहीं होती। हाँ ये ज़रूर है कि दोनों में कुछ फ़वाद भी हैं, शराब पीने से बाज़ औक़ात ताकत में इजाफा होता है, गर्मी आती है, शराब और जुए के नशे में
इंसान वक्ती तौर पर रंजो गम को भूल जाता है, लेकिन इनके नुकसान उनके फायदों से कहीं ज्यादा हैं। इनसे जो रूहानी और जिस्मानी नुकसान पहुंचते हैं, इसके मुकाबले में चंद एक जिस्मानी और मादी फायद को कोई हैसियत नहीं रखते। यस अलोना का अनिल खमरी अल खमर शराब की तफसीर खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नशा आवर खमर है और हर नशा आवर हराम है। बाज़ लोगों ने सिर्फ अंगूर की शराब को खमर करार देकर बाकी सब के दूसरे नाम रखकर उन्हें हलाल कर लिया। ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के ऐन मिसदाक हैं। सैयदना अबू मालिक अशरी रजी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे होंगे जो औरतों की शर्मगाहों को और रेशम और खमर शराब को और बाजों को हलाल कर लेंगे। सैयदना अबू मालिक अशरी रजी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के कुछ लोग खमर शराब पिएंगे, इसका नाम कुछ और रख लेंगे। अल मैसर जुआ, ये यूसर ब माना सहूलत से है, क्योंकि जुए में बगैर मशक्क़त के दूसरे का माल आसानी से हाथ लग जाता है। आजकल पांचे लॉटरी बीमे और सिटे वगैरह के नाम से जो कारोबार हो रहा है, सब जुए की सूरतें हैं। कुल फी ही मा इस्मुन कबीरुम व मुनाफियो लिन्नासी व इस्मु हो मा अकबरु मिन नफ़ी ही मा। अल्लाह ताला ने शराब और जुए के कुछ फ़ायद तस्लीम किए, मगर साथ ही फरमाया कि चंद मुनाफा के साथ उनमें बहुत बड़ा गुनाह है। फिर मुकाबला नफा और नुकसान का नहीं किया कि इनके नुकसान उनके फ़वाद से ज़्यादा हैं, बल्कि फरमाया कि उनका गुनाह उनके फ़ायदे से ज़्यादा है। मालूम हुआ कि कोई चीज़ दुनिया में कितनी भी नफा बख्श हो, अगर इसमें गुनाह है तो मोमिन को इससे इज्तनाब करना चाहिए। इरशाद बारी ताला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अनसाबु वल अज़लामु रिज़्सुम मिन अमली शैतानी फ़ज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। इन्नमा युरीदुश्शैतानु अन युकिआ बैनकुमुल अदावता वल बग़्ज़ा फिल खमरि वल मैसिरि व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस्सलात फ़हल अंतुम मुन्तहून। सूरत अल माईदा में, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, बात यही है कि शराब और जुआ और शिर्क के लिए नसब करदा चीज़ें और फाल के तीर सरासर गंदे हैं, शैतान के काम से हैं, सो इससे बचो ताकि तुम फलाह पाओ। शैतान तो यही चाहता है कि शराब और जुए के ज़रिए तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और बुग्स डाल दे और तुम्हें अल्लाह ताला के ज़िक्र से और नमाज से रोक दे। तो क्या तुम बाज आने वाले हो? वयसअलूना का माज़ा युन्फिकून कौलिल अफ़वा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि अल्लाह ताला के रास्ते में कैसा माल खर्च करें, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह के रास्ता में बेहतरीन और पकीज़ा माल खर्च किया करो, नकारा और खबीस माल खर्च ना किया करो। इरशादे बारी ताला है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुन्फिकु मिम्मा तुहिब्बून। सूरह आले इमरान में, तुम पूरी नेकी हरगिज़ हासिल नहीं करोगे जहाँ तक के इसमें से कुछ खर्च करो जिससे तुम मोहब्बत रखते हो। और फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु अन्फिकु मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अखरजना
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِزُوا فِيهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ سورت البقرہ میں اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمائی ہیں اور ان میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں اور اس میں سے گندی چیز کا ارادہ نہ کرو جسے تم خرچ کرتے ہو حالانکہ تم اسے کسی صورت لینے والے نہیں مگر یہ کہ اس کے بارے میں آنکھیں بند کر لو اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بے پرواہ بے حد خوبیوں والا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک دینار ہے۔ فرمایا، اسے اپنے آپ پر خرچ کر لو۔ اس نے عرض کی، میرے پاس ایک اور دینار ہے۔ فرمایا، اسے اپنے بچوں پر خرچ کر لو۔ اس نے عرض کی، میرے پاس ایک اور بھی ہے۔ تو فرمایا، اسے اپنی بیوی پر خرچ کر لو۔ اس نے عرض کی، میرے پاس ایک اور بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اپنے خادم پر خرچ کر لو۔ اس نے عرض کی، میرے پاس ایک اور بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بارے میں تم ہی زیادہ بہتر جانتے ہو۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا، اپنے آپ سے آغاز کرو اور اپنے اوپر خرچ کرو، اگر کچھ بچ جائے تو اسے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، اور اگر اہل و عیال پر خرچ کرنے کے بعد کچھ بچ رہے تو اسے اپنے رشتہ داروں پر خرچ کر دو، اور اگر رشتہ داروں پر خرچ کرنے کے بعد بھی بچ جائے تو اسے ادھر ادھر خرچ کر دو۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم، اگر تم ضرورت سے زیادہ مال کو خرچ کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے روکے رکھو تو یہ تمہارے لیے بدتر ہے، اور بقدر ضرورت رکھنے پر تمہیں ملامت نہیں کی جائے گی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز بغیر پاکی کے قبول نہیں ہوتی، اور صدقہ خیانت کے مال سے قبول نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 220 فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے بارے میں، ویسألونک، اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے، عن الیتامی، یتیموں کے بارے میں، کل کہہ دیجئے، اصلاح لہم، ان کی اصلاح کرنا، خیرن، بہت بہتر ہے، و ان، اور اگر، تو خالی تو ہم، تم اپنے ساتھ ملا لو ان کو، فاخوانکم، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، مل مفسدہ، فسادی کو، من المصلح، اصلاح کرنے والے سے، ولو شاء اللہ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ،
ला अनाता को तो अलबत्ता तकलीफ में डाल देता तुम्हें। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला अजीजुन बहुत जबरदस्त हकीम बड़ी हिकमत वाला है। फिर दुनिया वल आखिरा इसका ताल्लुक लअल्लकुम ततफक्करून के साथ है, यानी अल्लाह ताला तुम्हारे लिए शराब और जुए में दुनिया के थोड़े फायदे और दुनिया व आखरत के नुकसान और गुनाह कबीरा की बजाय अल्लाह के रास्ते में अपनी बेहतरीन चीजें खर्च करना खोल कर बयान कर रहा है, ताकि तुम चंद रोजा दुनिया और हमेशा रहने वाली आखरत दोनों में खुद ही गौर व फिक्र कर लो कि अकल से काम लेकर तुम्हें किसको तरजीह देते हो। वयसअलूना का अनिल यतामा कुल इस्लाहुल्लाहुम खैर व इन तो खाली तो हम फ़ाइखवानुकुम। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि जब ये आयत नाजिल हुई वला तकरबु माल अल यतीम इल्ला बिल्लाती हे या अहसनु सूरत अल इनाम में, और यतीम के माल के करीब ना जाओ मगर इस तरीके से जो सबसे अच्छा हो। और ये आयत इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवाल अल्यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा वसयस्लौना सईरा सूरत अन्निसा में, बेशक जो लोग यतीमों के अमवाल जुल्म से खाते हैं वो अपने पेटों में आग के सिवा कुछ नहीं खाते, और वो अनकरीब भड़कती आग में दाखिल होंगे। नाजिल हुई तो जिन लोगों के पास यतीम थे उन्होंने अपना खाना पीना उनके खाने पीने से अलग कर लिया, और अगर यतीम के खाने पीने की कोई चीज़ बच जाती तो उसे उसी तरह संभाल कर रख देते हत्ता कि उसे खुद यतीम ही खाता, या फिर वो चीज़ ख़राब हो जाती तो ये सूरत हाल उन्हें बहुत गिरा महसूस हुई। और इसका जिक्र उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई। वयसअलूना का अनिल यतामा कुल इस्लाहुल्लाहुम खैर व इन तो खाली तू हम व इख्वानुकुम, वो तुझसे यतीमों के मुतल्लिक पूछते हैं, कह दे इनके लिए कुछ ना कुछ संवारते रहना बेहतर है, और अगर तुम उन्हें साथ मिला लो तो तुम्हारे भाई हैं। तो उसके बाद उन्होंने अपना खाना पीना इकट्ठा कर लिया। वल्लाहु यअलमुल मुफसिदा मिनल मुस्लिह, इरशाद फरमाया वला ताकुलू अमवालहुम इला अमवालिकुम इन्नहु काना हुबन कबीरा सूरत अन्निसा में, और ना उनके अमवाल अपने मालों से मिलाकर खाओ, यकीनन ये हमेशा से बहुत बड़ा गुनाह है। और फरमाया वला ताकुलूहा इसराफ़ व बिदारन अन यकबारू सूरत अन्निसा में, और फजूल खर्ची करते हुए और इससे जल्दी करते हुए इन्हें मत खाओ कि वो बड़े हो जाएंगे। और फरमाया इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवाल अल्यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा वसयस्लौना सईरा सूरत अन्निसा में, बेशक जो लोग यतीमों के अमवाल जुल्म से खाते हैं वो अपने पेटों में आग के सिवा कुछ नहीं खाते, और वो अनकरीब भड़कती आग में दाखिल होंगे। वलौ शा अल्लाहु लअनतकुम, अनत ये का मानी है कि आदमी को ऐसी मुशक्कत में डालना जिसमें हलाकत का खतरा हो, यानी अल्लाह ताला ने तुम पर मुशक्कत नहीं डाली बल्कि आसानी और वसत पैदा फरमाई, चुनाचे इस्लाह की नीयत से उन्हें अपने साथ मिला सकते हो, और अगर मोहताज हो तो बेकदर खिदमत और ज़रूरत उनके माल से फ़ायदा भी उठा सकते हो,
इरशाद बारी ताला है। व मन काना गनियन फल यस्तअफिफ व मन काना फकीरन फल याकुल बिल मारूफ, और जो गनी हो तो वो बहुत बचे और जो मोहताज हो तो वो जाने पहचाने यानी दस्तूर के मुताबिक खा ले। सुभान रब्बी का रब्बिल इज़्ज़त अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।